जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 3.3 का, और इफ लॉग 2 इट्स इक्वल 0.3010। अगर आप टेबल में देखें तो टेबल के अंदर लॉग 10 से ही स्टार्ट होता है, यानी कि 2 की वैल्यू वहां पे मौजूद है, 3 की वैल्यू वहां पे मौजूद है, 5 की वैल्यू मौजूद है। कैलकुलेटर लो, लॉग 2 दबाओ, आपको ये आंसर देगा। आप कैलकुलेटर लो, लॉग 3 दबाओ, आपको ये आंसर देगा। अगर कैलकुलेटर लो, लॉग 5 दबाओ, आपको ये आंसर देगा। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप फिर भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उस वक्त मैं आपको बता रहा था 3.2 के अंदर कि हम टेबल के अंदर सिर्फ 10 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? 10 से। फिर उसके बाद 11, फिर 12, 13, ये 14, 15, 16 एंड सो ऑन। टेबल इधर से स्टार्ट होता है, लेकिन जब वो इनसे कम आता है, जिस तरह वो 2 है, तो असल में आपका जो नंबर वो 2 तो मौजूद है, लेकिन जब हम लॉगर थम टेबल के अंदर लेके जाते हैं तो फिर आपने उसको किस में देखना है? 20 को। किस में देखना है? 0 को। अब देखो ज़रा, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लॉग 2 है, इसका पहले करेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। आपके पास 1 डिजिट है, 1 डिजिट का करेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा? 0। फिर पॉइंट आ गया। अब आप 20 का ज़रा 0 में देखिएगा तो आपको आंसर आएगा 30-10 पूरा देगा, आपको 0.3010 पूरा आंसर दे। अच्छा, अब आपको ये पता चल गया कि जब मेरे पास 10 से कम होगा, 10 से कम 9 हो, 8 हो, 7 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, आपने उसके साथ 0 लगाना, किस में देखना है? इसका मतलब 90 का 0 में, 80 का 0 में, 70 का 0 में, 50 का 0 में, 40 का 0 में। 4 नहीं है वो 40 है, वो 3 नहीं है वो 30 है, वो 2 नहीं है वो 20 है, वो 1 नहीं है वो 10। आप लोग उसी तरह जब इसका करेक्टरिस्टिक्स 3 का 0 आएगा, 30 का जब 0 में देखेंगे 4771 ही देगा। पता चला ना? Yes, आपको बेसिक चीज़ का मैंने कहा मैं बता दूं ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो कि ये पता नहीं है क्या और कहां से वैल्यूज आ गई। तो अगर 10 से कम है तो फिर हम लॉग में किस तरह डिफाइन करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, उसके साथ 0 लगा के फिर आपने मल्टी सा देखना करना। लेकिन इधर कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसने वैल्यू दी, लॉग 2 दिया, लॉग 3 दिया, लॉग 5 दिया, कहता फाइंड, आपके पास पहला पार्ट दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, 4 दिया, 5 दिया, कहता इसमें से मैंने कोई वैल्यू दे दी, आप लोग सिंप्लीफाई करो और मुझे हल करके दे दो। हम सिंप्लीफाई करते हैं, अब इसे देखिएगा ज़रा, लॉग 32 है, इसके फैक्टर बनाओ ज़रा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। क्लियर हो गया? लॉग 2 की कितना आ गया? 5 कहाँ पे आ गया? वेरी गुड, बाकी क्या आ गया? अब 5 एज इट रहा, लॉग 2 की वैल्यू उसने दी हुई, हमें निकालने की जरूरत नहीं। कितनी है? वेरी गुड, 0.30। 5 को क्या करूँगा? मल्टीप्लाई 50, 51, 50, 53, उधर से 4 बाद आपने डेसिमल लगा दिया, ये उसका क्या आ गया? समझ आ गई भाई? दूसरा पार्ट देख लो, 24 है, 24 के फैक्टर बनाओ, यानी कि आपने इनके फैक्टर बनाने 2 में, 3 में और 5, इसके अंदर ही रहना है, आप इससे बाहर नहीं जाएंगे, 2 में, 3 में और 5 के अंदर 24 के फैक्टर 2 2 2 एंड 3, 2 2 4 4 2 8 8 3 24, लॉग 2 की क्या आ गया? मल्टीप्लाई। अब जरा फर्स्ट लॉ में क्या है? 2 की 3 मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस, और आगे क्या है? लॉग। तीसरे लॉ में 3 कहाँ पे आ जाएगा? फिर लॉग 2 प्लस वैल्यू पुट कर दें, करो पुट, ये 2 की वैल्यू कितनी है? वैल्यू पुट कर दी। 3 की वैल्यू कितनी? लॉग 3 की 0.477। 3 अंदर क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर लो, 3 0 3 0 3 3 आगे 0.4771, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? 1 और 0 1, 7 और 3 10, 7 0 1 8, 9 और 4 कितने बाद? 4 बाद, ये उसका क्या आ गया? क्योंकि क्लियर होगा कि नहीं? गुड, आगे देखो, लॉग 3 × 1/3, पहले थोड़ा सा अंदर सिंप्लीफाई कर ले, 3 3 9 9 और 1 10 by whole power, 1/2 कहाँ पे आ जाएगी? फिर आगे क्या है?
टेन की जगह पे टू क्रॉस फाइव लिख सकता हूँ, डिवाइड क्या है वन बाई टू एज इट आ जाएगा। अब लॉग टू क्रॉस की जगह पे लॉग और डिवाइड की जगह पे और लॉग कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट कर ले करो फिर, वन बाई टू लॉग टू की वैल्यू 0.10, फाइव की वैल्यू 6990, लॉग थ्री की वैल्यू, ठीक हो गया। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, इनको पहले प्लस कर लो। जीरो में जीरो प्लस किया, नाइन और वन, फिर नाइन और वन, सिक्स और थ्री, नाइन और वन है कितने बाद है, फोर बाद आपने पॉइंट लगा दिया, ये वन बचा। आगे क्या है 0.477, इसमें ये क्या कर दें हम माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 10 हो जाएगा। इधर से कह 10 में 1 गया, 9 में 7 गया, 9 में 7 गया, 9 में 4 गया, और यहाँ पर ये 2, इस पर अब क्या हो रहा है डिवाइड, 2 2 4 1 कैरी बचा, 2 6 2 1 और 2 4 8, ये उसका क्या आ जाएगा, क्लियर भाई। अच्छा ये लास्ट देख ले, अब ये भी इसी तरह का ही है, ज़रा चेक करें तो ये भी इसी तरह का ही है। फोर्थ पार्ट है और इसको समझकर आपने जो इसका आगे वाला लॉग 30 लिखा, फाइव पार्ट, वो आपने खुद कर लेना। देखिएगा ज़रा इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 8 और माइनस लॉग 3, सेकंड लॉ के जो ना वो मुताबिक हम कर सकते हैं। अब देखिए लॉग 8 को हम क्या कर सकते हैं, टू टू और टू और माइनस लॉग थ्री, एज इट आ गया। फिर आगे ये है टू की और माइनस लॉग, ये थ्री कहाँ पे आ जाएगा, वेरी गुड, लॉग टू माइनस ये थ्री, लॉग टू की वैल्यू कितनी है 0.301, लॉग थ्री की वैल्यू क्या है, थ्री को मल्टीप्लाई किया 30, 31 30 और 33 0.47, इसमें से ये क्या कर देंगे, अब कैरी ले लेंगे, 10 में से 1 गया, इधर आ 2, इधर कैरी लिया, 12 में से 7, 9 में से 7, 8 में से 4, ये उसका क्या है आंसर, और हमारी एक्सरसाइज है कंप्लीट हो चुकी है। कन्फ्यूजन हुई तो ज़रूर आप लोग इसको बार बार देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अब हम इसके बाद इंशाल्लाह जो 3.4 एक्सरसाइज है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट है कि वो आता ही आता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आगे वाली एक्सरसाइज हम करेंगे।